नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश अपने टेक्निकल वर्ल्ड MG चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल से फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं अपने चैनल पर। सो गाइस, अगर इससे पहले मेरे चैनल पर नए आए तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, आप भी चाहते हैं अपनी फ्लाइट की टिकट अपने मोबाइल के जरिए बुक करना, और मैं इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट बताऊंगा कैसे आप फ्लाइट टिकट अपने मोबाइल से बुक कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आप भी सीख सकें कि फ्लाइट टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद गाइज आपको यहाँ पर सर्च करना है IRCTC एयर। जैसे ही इस पर सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा IRCTC एयर। इसको आपको डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, जैसे कि मैंने कर रखा है। उसके बाद सिंपली सा इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा, आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रॉम टू, आपको कहाँ से कहाँ के लिए फ़्लाइट पकड़नी है। मान के चलिए मुझे चंडीगढ़ टू दिल्ली की पकड़नी है, चंडीगढ़ टू दिल्ली की मेरे को सर्च करनी है फ़्लाइट। और उसके बाद आपको डेट डिपार्च, आप कौन सी तारीख को जाना चाहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग डेट्स के जो है प्राइस यहाँ पर दिए गए हैं। प्राइस सेम है वैसे तो, और तारीख दिया गया है जिस तारीख। अगर तत्काल में लेना चाहते हैं, मतलब आज की डेट में लेना चाहते हैं या कल की डेट में, तो थोड़ा महंगा होता है, और दो चार दिन बाद में लेंगे तो सस्ता होता है। जितना लेट आप लेंगे उतना कम प्राइस रहता है। तो मान के चलिए मेरे को 18 तारीख को लेना है, तो 18 पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर तारीख सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है, आप परिवार में कितने लोग जा रहे हैं, बड़े कितने हैं, छोटे कितने हैं, सब यहाँ पर डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मान के चलिए मैं अकेला हूँ, तो यहाँ पर एक ही आपको चॉइस करना, अगर दो हैं तो दो पे प्लस पे करेंगे दो हो जाएगा। यहाँ 2 से 12 साल के बच्चे तक का पूरा पैसा लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बच्चा है या दो बच्चा है, जितने भी हैं यहाँ पर माइनस प्लस कर सकते हैं। अगर 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो यहाँ पर आप माइनस एक या प्लस दो कर सकते हैं, अगर आपके साथ बच्चा है 2 साल से कम उम्र का। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा, आप कौन से कोच में सफ़र करना चाहते हैं, यानी कि कौन सी क्लास में सफ़र करना चाहते हैं, इकोनॉमी, बिजनेस, प्रीमियम इकोनॉमी, जो भी आप चॉइस करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं पहले वाला इकोनॉमी वाला चॉइस करूंगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, सर्च फ्लाइट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च फ्लाइट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर जो भी सर्च मतलब कि जो भी फ्लाइट अवेलेबल होगी यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस, यहाँ व्यू पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग प्राइस बताए गए हैं, तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं बुक करना तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप बुक पे क्लिक करेंगे। अगर ये आपसे पूछ रहा है अगर आपके पास GST नंबर है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑटोमेटिक आपका जो है बुकिंग पे ले जाएगा। तो चलिए वेट करते हैं थोड़ा। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो भी जैसे भी बुकिंग करनी है आप कर सकते हैं अलग अलग फ्लाइट का। और उसके बाद ये वेरीफाई करता है आप रियल में वही व्यक्ति हो कि नहीं हो। यहाँ पर आपको ID पासवर्ड डालना है। तो चलिए मैं पासवर्ड डाल लेता। पासवर्ड डालने के बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आ चुका है चंडीगढ़ टू दिल्ली, मतलब मेरी 18 तारीख की टिकट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट सीट पे करना चाहते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो जो सीट अवेलेबल होगी यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। ये जो ब्लू वाली आप देख पा रहे हैं ये सारी सीटें खाली हैं, अवेलेबल है। तो आप जो अच्छी लगी आप सीट जो है विंडो वाली करना चाहते हैं, जिस हिसाब से करना चाहते हैं उसके पैसे लगते हैं। और अगर आप
चाहते हैं मैं नहीं करूँ तो यहाँ बैक चले जाएंगे, और ये एयर जो है यहाँ पर अपनी तरफ से जो कंपनी है आपको खुद ही खुद प्रोवाइड कर देगी जो सीट अवेलेबल होगी। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है, अगर आप IRCTC ऐप के ज़रिए फ़्लाइट टिकट बुक करते हैं तो फ्री ट्रैवल इंश्योरेंस दिया जाता है। यहाँ पर आप क्लिक हेयर पे क्लिक करके डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर क्या क्या सिस्टम दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सीडेंटल डेथ ऑफ पैसेंजर, यहाँ पर प्राइस बताया गया है कितना क्या मिलेगा। यहाँ पर टोटल आप देख सकते हैं, टोटल लॉस चेक्ड इन बैग मतलब आपका मतलब गुम हो जाता है 3000 रुपये मिलते हैं। यहाँ पर इंश्योरेंस भी आपको बजाज की तरफ से दिया जाता है। उसके बाद डन पे क्लिक कर दें, और उसके बाद यहाँ पर आप सारा कुछ देख सकते हैं कितना आपको चार्जेस लगे हैं, अदर चार्जेस क्या हैं, IRCTC बुकिंग चार्जेस क्या, GST आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, आई हैव इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कंटिन्यू बुकिंग पे क्लिक करेंगे। बुकिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अपना मिस्टर मिसेज जो भी हैं आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपना नाम डाल लेना है, चलिए नाम डाल लेते हैं, और उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डाल लेनी है जो भी आपकी ईमेल आईडी है, और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है जो भी आपका मोबाइल नंबर है, ताकि आपके मोबाइल नंबर पे और मेल पे आपके मैसेज आ जाए, टिकट मेल कर दिया जाएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट होगी वहाँ पर आपको दे दी जाएगी। और उसके बाद अपना एरिया का एड्रेस लिख लेंगे जो भी आपका है, और उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप डाल देंगे, अपना नाम डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है आप कौन से राज्य से हैं, पंजाब से हो, दिल्ली से हो, जो भी आपका राज्य है वहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, और उसके बाद एग्री पे क्लिक कर देंगे। एग्री पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको सबमिट फिल करने के बाद उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे ये आप पेमेंट के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं 5384 रुपये, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको 15 मिनट दिए जाते हैं पेमेंट करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भीम UPI वॉलेट, अलग अलग जो चार्जेस दिए गए हैं जिस हिसाब से आप करना चाहते हैं, पेटीएम भी कर सकते हैं। तो मान के चलिए डेबिट कार्ड से आप करना चाहते हैं, यहाँ पे एंड बुक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पे एंड बुक पे क्लिक करेंगे ये आपको यहाँ पर पेमेंट करने के लिए बोलेगा, और यहाँ पर आप पेमेंट करने के बाद ATM कार्ड से बहुत ही आसान तरीके से आप अपनी फ्लाइट की टिकट बुक कर पाए। आपको टिकट नंबर पे मैसेज आ जाएगा और मेल पे भी भेज दिया जाएगा PDF फाइल बनाकर। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूले, ताकि ऐसे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो न्यू अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।